ये मामू भांजी सेम हुए हैं। ये है कराची का सी व्यू। अब हम बाल्टी में बिरयानी सारे गाड़ी में कैसे खा सकते हैं? और ये आप शक्ल देख रहे हैं, भूख से शक्ल ऐसी हो गई। तो हम सब की जो बच्चियां साथ बैठी है ना ये। और अभी आए हम कराची की मेन बाड़ा मार्केट और ये सारी लड़कियां जो मेकअप देख के कमली हो गई हैं यहाँ पे। तो अभी हम निकल रहे हैं घूमने फिरने के लिए और मंसूरा में लेके जाएंगे, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है कराची में हमने कहाँ जाना। उधर महनूर बलोच, इधर रामीन बलोच, इधर माहीन बलोच। माहीन की शक्ल बता रही है बहुत भूख लगी है इसे। तो अच्छा सब लॉक एंड कर दो अगर मजा आए। चावल बन गए हैं और मम्मा डाल रही हैं। अब हम खाना खाएंगे। टेबल पे लगाओ। माना तुम क्या कर रही हो, कोई काम कर लिया करो। मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूं, बताओ क्या काम होगा। बाजी बाजी ने सलाद बनाई है। किसने बनाई है? किसने बनाई है? कह तो रही हूँ बाजी ने सलाद बनाई, दूसरी बाजी ने चावल, ये बाजी खाने के लिए आई है। चलो जी टेबल पे खाना लग गया है और सब बच्चे हाजिर हो गए हैं। उधर महनूर बलोच, इधर रामीन बलोच, इधर माहीन बलोच। माहीन की शक्ल बता रही है बहुत भूख लगी है इसे। डाल दो, जल्दी करो बेचारी को। सबसे पहले इसको जल्दी है, पहले डालने वाली की है इसने। जिसने बनाया वो पहले डालेगा। ओए होए होए, चलो खाओ खाओ। बहुत टेस्टी बनाया है मलाइका ने चावल, बहुत मजे के। बेटा डाल ले, खा के देखो, खाने में भी मजे के हैं। और ये वो जो ग्रीन चटनी जो हम लेकर आए थे ना रास्ते से, इसके बगैर तो मजा ही नहीं आता ना। इस चटनी के साथ खा के तो ऐसा मजा आता है ना। आज मम्मी आप भी आज खाना खा लो पहले। देखो जी बड़ा मजे का स्वीट डिश आ गई है। मुझे भी वाह, पहले कहा था मानो, ये देख रहा था लेकिन मुझे मानो शक्ल तो देख, वेरी नाइस। मैं भी बनाती हूँ, बड़ा प्यारा लग रहा है। ब्लड ड्रेस पहने मानो, स्किन भी पहना नीचे से। चलो खा लो भाई, डालो, पहले वीडियो बनेगी फिर खाना खाएंगे। इतने मजे का फूफो ने बनाया मीठा, जो कि अब हम चावल खाने के बाद ये खाने वाले हैं। यहाँ पर मलाइका और मानो खा रहे हैं। ये लो 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 ना, तेरी कटोरी भी दिखाओ। मेरी जान नहीं, आंसू आ गए, टेंशन। खाना खा के अभी बाहर आए हल्की फुल्की चहलकदमी के लिए, ताकि जरा सा खाना हजम हो जाए फिर सो जाएंगे। काफी लेट हो गया, आ जाओ बस ये घर के आगे ही वॉक करते हैं, ठीक है ना? ज्यादा दूर नहीं जाते, ठंड है बाहर। क्या लिखा है? डोना सैलून, बेलीजा डोना। हमारी डोना का सैलून है, डोना ने सैलून बनाया। हमें बताया ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि डोना ने सैलून बनाया। वो देखें वो जनाब मंसूर बलोच और साथ वो आसिफ भाई, ये दोनों बैठ के इधर चाय पी रहे हैं अकेले अकेले। ये कोयटा होटल है सामने और ये उसके आगे बैठ के दोनों दोस्त चाय पी रहे हैं। दोस्तों की महफिल लगी हुई है। और ये हमारे लिए चेयर बिछवाई है इधर, और हमें फोन आया कि आ जाओ, जिस जिसने चाय पीनी है वो आ जाए। तो ये सारी पलटून आ गई है, तरसी हुई चाय को सारी। कौन कौन चाय पिएगा, इन सबको नींद आ रही है। मैं ग्रीन टी। और यहाँ पर आ गई सबकी ग्रीन टी। पुदीना बीच में होगा, अम्मी कप के अंदर होता है। और यहाँ पर सबने ही ग्रीन टी मंगा ली थी, क्योंकि सबका दिल चाह गया था कि ग्रीन टी पिए। ठंड हो रही थी और दिल भी चाह रहा था। और यहाँ बहुत अच्छी मिलती है ये जो बनाते हैं ना लेमन ग्रास की। और यहाँ इब्राहिम भी बड़ा इंजॉय कर रहा था और मंसूर और आसिफ भाई भी हमारे साथ आके बैठ गए थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। चलो बच्चा पार्टी, सारे मिलके सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। और आप भी अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम निकल रहे हैं घूमने फिरने के लिए और मंसूर हमें लेके जाएंगे, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है कराची में हमने कहाँ जाना। पता तो मंसूर को भी नहीं है, गूगल बाजी लेके जाएंगी। नहीं नहीं पता है। मैं तो वैसे रास्ते में रटे हुए। हाँ, और हमारे साथ हैं रामीन और माहीन। ये देखे महनूर मलाइका, रामीन माहीन, ये सारे बच्चे हमारे साथ जा रहे हैं। और देखिए आगे जहाँ भी जाएंगे आपको बताएंगे कि हम किधर जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। अभी तो कल तो निकले थे तो रैली थी, बड़ा फंस गए थे कल तो हम। आज ये दोनों हैं हमारे साथ रांची वाली, इनसे पूछेंगे हमने कहाँ जाना है। सही है ना? हमें पता है, मुझे पता है, आपको पता है। तो अभी इकट्ठे चलते हैं सारे और देखे क्या खाते पीते हैं। इंशाल्लाह जो भी होगा आपको सब शेयर करेंगे।
सर कहाँ लेके जा रहे हैं? मैडम सर आपको कुछ समझ आई है कि हमने कहाँ जाना है? मैडम हम अभी शारा फैसल पे है मैडम। अच्छा अभी हमने जाना है, कहाँ जाना है? हमने जाना है मिलेनियम मॉल वाले मैडम, एमआर टावर जाना है। एमआर टावर, अहमद टावर, एमआर टावर, एमआर। अच्छा ओके ओके, जहाँ कल हम घूमते रहे मिला नहीं हमें। हम कल गए थे और वो बंद था। अच्छा मिल गया था, बंद था। महानूर का क्या लेना है? हैंड फ्री लेना है। हाँ जी, तुम्हारे मोबाइल का कवर चेंज करना है। जी हाँ, और ये इतना शोर डाला हुआ है, कितना शोर डालते तुम लोग हैं। मच्छर मारने की वो कर रहे हैं प्लानिंग। कैसे? हम अपने शाम को स्प्रे मार जाने का मेरे नाम की है, स्प्रे पूरे रूम में करेंगे, थके हम फिर हमें नहीं लगे। अम्मा नींद आती थी जूम। पता है कराची के मच्छर मशहूर है, वो मॉस्पे ले लेते हैं। मॉस्पेल के खिलाफ है, नहीं नहीं याद कराना, स्प्रे ले लेंगे। मॉस्पेल मच्छर की आवाज़ तो बंद नहीं करती जूजू, मतलब साथ तो नहीं आता ना, पास तो नहीं आएगा ना भाई। एक तो वो तुम्हें नींद, एक तो वो तुम्हें नींद में लोरियां दे रहा है, वो सरंगी सुनवा रहा है तुम्हें, ऊपर से तो बातें भी सुना रहे हो। ओके बेचारियां मच्छरों की सताई हुई बच्चियां। रामी सुबह ना शिकार पकड़ लिया, अभी कहता ना, कहता यार तुम्हें काटना काट, ये डराता क्यों? हां सुबह हमने ना शिकार पकड़ा मच्छर का, क्यों ना बैठा हुआ था बड़ी देर से, मैंने कहा इसको मारते हैं। रामी शॉपर ले, इसको शॉपर में बंद कर दे, तो तुम मादर पक मारेंगे। शॉपर में बंद किया, शॉपर खोल दिया, वो उड़ गया। मारती उसे फिर, वो अपने साथ ही लेके पहुंच जाएगा फिर। ये नरम दिल बचिया है बेचारा, मच्छर मार ना जाए। नहीं मार गया, मारने की प्लानिंग थी। एक बहुत बड़ा सा बहुत ही प्लेट, उससे हम छपा देते उसे दीवार पे, चिपका पड़ा। ओए ओए दुआ करो यहाँ पे ट्रैफिक जैम ना हो। नहीं होती है, थोड़ी देर होती है। नहीं नहीं ये होता है थोड़ा थोड़ा। चलो जी अभी जा रहे हैं हम एमा सेंटर, अल्लाह करे आज रश में ना फंसे। टावर, एमा टावर। अच्छा भाई टावर सेंटर दो एक ही बात है, एक ही बात नहीं होती। कभी कहती है एफल टावर, कभी कहती है एमन टावर। भाई मुझे मुझे क्या पता, मेरे लिए तो ये प्रदेश है, पता है आपको? मुझे क्या पता, मुल्तान में जो मर्जी पूछे मेरे से, मुझे सब जगहों का पता है। मजाक बना रहे खाम खा एमी। और ये है मेरे मोबाइल का न्यू कवर। मंसूर बलोच साहब वो करा गए हैं मार्केट से, अब कहाँ चले बताओ? मारामीन माहीन बोलो तुमने क्या ये तुम्हारी वो अच्छा खाने का ट्राइपॉड है? अच्छा ये किचन में तुम रखती हो, ये इसको यहाँ फिट। थैंक यू। हाँ अच्छा इसका ये चार्जर मेरे मोबाइल का, और ये तुमने देखा ही नहीं जो तुम्हारे काम की चीज है। क्या सेल्फी स्टिक? अरे वाह ये अच्छा किया, ये अब काम आएगी, आगे जाएंगे ना सीवीओ, हाँ काम आएगी। बहुत अच्छी क्वालिटी की, इसमें रख दूँ वापस? हाँ रख दे। थैंक यू, चलो हम चलते हैं, भूख लगी है, बच्चों को कुछ खिलाएं पहले। चलते हैं बाड़ा मार्केट वाली साइड। देखिए गए यहाँ से थे, आए वहाँ से, हमारी समझ आ रही है ऐसा क्यों हो रहा है। फाइनली आ गई इनकी स्टूडेंट बिरयानी, बिरयानी लवर्स। चलो जी आ गई थी, अभी खाते हैं बैठ के। और अभी आए हम कराची की मेन बाड़ा मार्केट, और ये सारी लड़कियाँ जो मेकअप देख के कमली हो गई हैं यहाँ पे, इधर मेकअप ही मेकअप है, और मानो का तो फेवरेट हाँ है कलर देखो। अच्छे कलर्स हैं ना, आगे देखो, पहले आगे घूम लो, इधर ना खड़े रहो, आ जाओ। ये है जनाब कराची की मशहूर बाड़ा मार्केट, बड़ा शौक था यहाँ आने का मैं, अभी बंद है काफी सारी शॉप्स। हाँ जी तो मानो कहाँ जा रहे हैं बताओ? अब हम जा रहे हैं सीवीओ समंदर पे। हाँ बाजार से हो लिया है मेकअप शेकअप, ले लिया है बाजार से, हो लिया हमने मेकअप लिया, अब ये सारी जा रही है व्लॉग में घर जाके। हाँ ये सीवीओ अब जा रहे हैं, और ये है मंसूर साहब जो कि बिरयानी लेने गए थे, और बिरयानी बाल्टी उठा के ले आए। हमने कहा कि बॉक्सेस अलग अलग ना, सबके अलग अलग, ठीक है पार्सल, तो अब सब गाड़ी में बैठ के खा लेंगे। अब हुआ ये है कि जैसे ही वो आया और शॉपर खुला है, अंदर इतनी बड़ी बाल्टी में बिरयानी फैली हुई है। अब हम बाल्टी में बिरयानी सारे गाड़ी में कैसे खा सकते? और उन्होंने बर्तन भी साथ नहीं दिए, डिस्पोजेबल, कोई प्लेट ना कोई चम्मच। और ये आप शक्ल देख रहे हैं, भूख से शक्ल ऐसी हो गई, तो हम सब जो बच्चियां साथ बैठी हैं ना, ये बेचारी बिरयानी की बाल्टी देख के उदास है। हम इतना खुश तो बिरयानी ने सारा, ये सारे बच्चों के ना अरमानों पे पानी फिर गए। अभी आगे जाके आपको बाल्टी पूरी कर दी, बाल्टी दिखाएंगे कि वो मिला क्या है हमें। अभी सी भी जाके हम खाना खाएंगे इंशाल्लाह, बस पहुंचने वाले हैं, थोड़ी सी देर है। इची क्या ड्रामे मेरे नाल वैर थे सीधे सीधे पैर। गुड वन, हाँ सही है ना, ऐसा नहीं होगा। पंगा इज नॉट चंगा, नो पंगा ही चंगा। बलोच
पंगा ही चंगा विद मानूर बोलो तीन गुना बड़ा पंगा कैसे बड़ी बतमीज दूर है ऐसी जगह ढूंढे जहाँ बेंच मिले बैठने के लिए पहले खाना खाए मुझे ऐसी जगह भी पता है जहाँ दीवार पे बैठो डायरेक्ट आगे पानी है अच्छा चलो बताएगी अभी रामीन हमें कहाँ जाना आ गई हैं और माहिन की तबीयत खराब हो गई है माहिन को वॉमिट आ रही है आपको तो नहीं आ रही वॉमिट चलो जी मानो आप ठीक हो चलो चलते हैं सूरज अभी बिल्कुल सामने और आंखों में आ रहा है लेकिन मौसम ठंडा है ठंडा क्या इधर अच्छी खासी पहले खाना खिलाएं बच्चों को उसके बाद कहीं और जाएं थकावट है इसकी नींद पूरी नहीं है पागल स्टूडेंट बिरयानी की बाल्टी हाँ मंगवाए छोटे पार्सल तो उन्होंने बाल्टी उठा के दे दी और हमें यहाँ बैठ के खाना पड़ेगा ओह हेवन है तो अच्छी मैं सबसे पहले के महीन खुशबू खुशबू नहीं मुझे इतनी भूख नहीं लगी तुम लोग कुछ समोसे खा कर आए हो बेचारे ने नहीं खाए ना उसको नहीं समोसा क्या कह रही है नहीं खुशबू नहीं समोसा की आहा महीन के नसीब का पीस देखो मैं ऐसे चिकन खाऊंगी नहीं क्यों फिर बिरयानी का मजा क्या आएगा सिर्फ चावल खाती ये क्या बात हो ये तो बड़ी बड़ी फीकी बिरयानी खाएगी फिर तो बोटी ना खाई तो क्या खाया दसो जरा बिस्मिल्लाह उसने को रहते भी नहीं दिए अरे क्यों को लौट गए से बड़ा के पास करना ले ले मैडम और कोल्ड ड्रिंक मले मनो डालेगी बिरयानी का नाम है पूरे पाकिस्तान में सब बच्चों को देखो बिरयानी खाते हुए बिरयानी खा रही हूँ मेरी तो वीडियो बना के मुझे इंस्टा पे भेज रहा हूँ अच्छी जगह है गार्डन में मज़ा आ रहा है साथ मीठे चावल भी हैं सारे सी वी ओ की हवाओं में उड़े जा रहे हैं नहीं हम जा रहे हैं मेरे बाल मेरे ख्याल में सनसेट हो जाएगा है ना यहीं पर ही शूज उतारो और यहाँ पर जमा कराओ और फिर पानी में जाओ मैं उतार दूँ हाँ उतार दें फिर वापस आके पाँव धो के तो फिर पहन लेना हाँ चलो आओ मेरे सहारे के बगैर कुछ नहीं आप जुराबे हाँ शूज नहीं उतारा जा रहा चलो भाई बेटा ये भी ऊपर रखो ये भी ऊपर रख दो ख्याल करना अभी इनका ठीक है वो नीचे गिर गया उठाओ उसे मंसूर कचरा बहुत है सफाई नहीं कर रही है ना सी व्यू पे पता नहीं क्यों इतना गंद अब देखो अब नंगे पाओ हो गए अब मजा आएगा ये आ गए हमारे बच्चा पार्टी मजा आ रहा है बच्चों अब जूते उतार दिए ना अब मजा आएगा जूतों के साथ तो चले ही नहीं जा रहा था रेत पे अरे धरे धस रही है अंदर ये देखो ट्राउजर ऊंचा कर लो मलाइका थोड़ा ऊंचा कर लो हाँ लेकिन आगे अच्छा है आगे साफ भी है समंदर अब माहीन की आंखें भी खुल गई ठंडे ठंडे पानी में सिपी सिपी है यहाँ पर सिपियाँ भी मिल जाती हैं यहाँ पर मछलियाँ भी मिल जाती हैं किनारे पे यहाँ तक भाई ठंडा यख पानी ठंडा यख पानी और रेत कैसे शाइन कर रही है देखा रेत शाइन कर रही है कराची का ये समंदर ही तो अट्रैक्टिव लगता है ये साहिल ही तो खूबसूरत लगता है सही बात है ये अच्छा है यहाँ पे रश कितना है ना मामू तुम्हारे यहाँ में गहरे समंदर में लेके जाएंगे ऐसे नहीं छोड़ेंगे ये वो चलते जा रहे हैं आगे लहरों तक खान साहब बलोच साहब ठीक है आप खान साहब बलोच साहब मजा आ रहा है हाँ बिल्कुल करीब आ गया फाइनली चलो जी आ गए समंदर की लहरें बिल्कुल करीब आ गए बाबा को वो भाग गई और
इतना मजा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा है, मौसम बहुत मजे का यहाँ पे। ये देखे नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए भाई, वो चक्कर आ रहे हैं मुझे देख के। जी वाह, ये है कराची का सी व्यू। अच्छा खासा रश है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं और बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। पानी देखकर तो वैसे ही एक्साइटेड हो जाते हैं। अब शब भी कह रही थी, कहती है इंजॉय करो, है ना, मजा आ रहा है ना। अभी ये सारी थकी पड़ी थी, अब इनका फ्रेश हो गया मूड पानी में आके। मेरी पैंट देखो, पानी है। हाँ मजे का पानी है। वो देखा मामू आगे जा रहे हैं। ये देखो ये ऊंची लहर आई है, वाओ, ये ऊंची लहर थी है ना, आ गई आ गई। और अभी थोड़ा थोड़ा आगे जा रहे हैं, थोड़ा सा आगे आ जाओ। ये मामू भांजी सेम मुंह है। ये वहां से हम लोग, वहां पार्क है, वहां से अब हम लोग चल के इतनी दूर आए हैं और अच्छा खासा दूर है साहिल समंदर। काफी देर वॉक करने के बाद हम यहाँ पहुंचे हैं और हम आगे नहीं जाते क्योंकि आगे पता नहीं गहरा होता है, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए, जबकि बच्चे तो वहाँ नहा रहे हैं और गलत बात है। और यहाँ पर भी फैमिलीज बहुत आगे आगे गई हुई हैं जिनको नहीं जाना चाहिए। मेरे ख्याल में बस यहाँ तक आप रहें, पानी है, इंजॉय करें, बंदे को रिस्क नहीं लेना चाहिए जान का ख़ास तौर पर। और छोटे बच्चे वहाँ नहा रहे हैं, मुझे बड़ी टेंशन मुझे हो रही है, नहा बच्चे रहे। ये अंकल हमें कह रहे हैं कि आप इस ऊँट पर बैठो, हम बिल्कुल नहीं बैठ सकते क्योंकि हमें बड़ा खौफ आता है इससे। चाचा अल्लाह हाफिज़। चाचा खुश हो गया है। अंकल को हमने कहा हमें डर लगता है भाई हम गिर जाएंगे, इतना ऊंचा है ये, डर लगता है इस पर कौन बैठे। हाँ वैसे यहाँ पर वो सामने गाड़ियाँ भी चलती हैं, उस पर भी बच्चे बैठ के मतलब ड्राइव करते हैं, लेकिन हमें डर लगता है। हमारे बच्चों ने मना कर दिया कि हमने नहीं बैठना, ये सिर्फ पानी को इंजॉय कर रहे हैं बस। सनसेट स्टार्ट हो गया, सूरज गुरूब होने लग गए। और यहाँ पर मुझे दिया बहुत ही प्यारा फ्लावर, अचानक से सरप्राइज़ दिया, फूल वाला आया हुआ था तो मंसूर ने मुझे बहुत ही खूबसूरत फूल गिफ्ट किया यहाँ पे। थैंक यू। ऐसे रहो बाबा की तरफ, मानो आगे टूरी जा रही है और फिर भागती आती है वापस वहाँ से। पानी में चला नहीं जाता वैसे, नहीं चला जाता, लेकिन अब टांगों में दर्द भी होगा। ओके तो नहीं किधर गए तो बच्चों से पूछते हैं, बच्चों मजा आया? बहुत। पूछो मुमानी के चरण को अच्छे से सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? जल्दी करें ना। और अभी हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं, सूरज भी गरूब होने वाला है, शाम हो रही है और ये सारे बच्चे, कैसे मजा आया बच्चों? खुश हो ना, अच्छा सा मेरे ब्लॉग का एंड कर दो। Don't forget to like, चले भैया, थैंक यू।